Recording. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी, स्वागत करता हूं आपका। तारीख आज 1 जनवरी 2020, नया साल, नई उम्मीदें, नया उड़ान, सब कुछ। जी हां, नया साल क्या लेके आया है हमारे लिए, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि इस साल क्या क्या होगा। लेकिन हम क्या आशा करते हैं कि ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो। हमने जो आशाएं रखी हैं, हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोज लगे हुए हैं, वो लक्ष्य प्राप्ति सबको हो, इस तरह की कामना हम करते हैं। आप सभी ने नए साल पे बहुत सारे रेजोल्यूशन भी लिए होंगे, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन से रेजोल्यूशन आपने लिए हैं, कि इस साल क्या नया करने वाले हैं, क्या नया पहनने वाले हैं, क्या नया खाने वाले हैं, किस नई जगह घूमने जाने वाले हैं, कौन सी नई नौकरी चाहिए आपको, क्या प्राइवेट, क्या सरकारी, किस तरह की चीज़ें चाहिए आपको, क्या आप नया घर लेने वाले हैं, जिस तरह की भी चीज़ें हैं, कौन सी नई किताबें पढ़ने वाले हैं आप, कौन सी नई नई पिक्चरें देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें, नया साल, सब कुछ नया। तो इस नए साल पे मैं बस आशा करता हूं कि आप लोग बस सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, सबके जीवन में बहुत अच्छा हो, और जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें लगे हुए हैं हम लोग, वो सबको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेच, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है वो सभी चीजें जिसके लिए, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे साथ जो फैकल्टीज मौजूद हैं उनका नाम है दिनेश ठाकुर सर, संजीव वैद्य सर, जितेंद्र राजाराम वर्मा सर, शैलेंद्र तिवारी सर, सन्मति जैन सर हमारे साथ, हमारे साथ राजुल मैडम हैं, हमारे साथ अजय बसेड़िया हैं, हमारे साथ शुभम गुप्ता जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब इनमें से मैं भी एक हूँ, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। कुछ एग्जाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हैं वो ये हैं, पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है दोस्तों, और कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें भी मैं करता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ क्या, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है दोस्तों, उसका समय है सुबह 10 बजे, और जो स्पोर्ट्स है उसका समय है रात को 10 बजे, ठीक है। और ये जो शेड्यूल लागू रहेगा वो कब से लागू रहेगा, 29 दिसंबर 2019 से 11 जनवरी 2020 तक ये लागू रहेगा, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करेंगे। देखिए, नया साल है, सब कुछ नया नया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट दें, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि हम बहुत सारी फैकल्टी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सब कुछ, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो बाहर जाने की अपेक्षा आप घर में बैठ के तैयारी करिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए जो अनअकैडमी प्रोवाइड कराती है। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, ऑनलाइन वीडियोज मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, और वास्ट है, मतलब इसमें इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूं तो मुझे 2 घंटा तो इसी में लग जाएगा। इसकी सुविधाएं बताते बताते कितना फायदा है, समझ रहे हैं आप। अगर मैं आपकी काउंसलिंग करूं तो इसके लिए 2 घंटा चाहिए मुझे अलग से, उस वो अपन किसी और दिन करेंगे। लेकिन नया साल है तो नए साल पे अपने आप को गिफ्ट दीजिए एक नया सब्सक्रिप्शन, एक बार लेके देखिए, अच्छा लगेगा। मेरा कोड रहेगा HKT Live, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग कल भी हमने शब्द संक्षेप किया था, आज भी हम एब्रीविएशन और फुल फॉर्म की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। नया साल है, मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, ज़्यादा बोर भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस 8 से 10-15 करेंगे हम लोग, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें आप अपना कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 15-20 मिनट एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पेज पे नोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही देख सकते हैं चलते फिरते, मतलब हल्का फुल्का वीडियो है, कहीं भी खाना खाते देख सकते हैं आप, चलते चलते कहीं देख सकते हैं, बस में बैठे हुए देख सकते हैं, सारी चीज़ें। NLTA का फुल फॉर्म हो जाएगा, देखो, T फॉर टेनिस का मतलब समझ में आ रहा है, L फॉर लॉन, और A फॉर एसोसिएशन, और N फॉर नेशनल, तो क्या हो जाएगा ये, नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन, नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है क्या भाई लोग,
नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है आगे बढ़े। अगला एसओसीओजी, एसओसीओजी, अच्छा चलो इसको तोड़ते हैं पहले, ठीक है। ओजी का मतलब क्या समझ में आ रहा है यहां पे? ओलंपिक गेम्स, ठीक है। एस का मतलब क्या हो रहा है यहां पे? सिडनी, क्या हो रहा है यहां पे? सिडनी। ओ फॉर क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग, ओ फॉर क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजिंग। सी फॉर क्या मतलब हो रहा है? कमिटी। तो क्या हो जाएगा ये? सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द ओलंपिक गेम्स। सिडनी देखिए, लिखिए सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द ओलंपिक गेम्स। आसान है क्या? कर लेंगे। आगे बढ़े क्या, या एक बार फिर से लिख दूं इसको मैं, एक बार फिर से लिख दूं? चलिए मैं एक बार लिख देता हूं इसको, ठीक है। सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, अच्छा कमिटी की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं, ठीक है मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द ओलंपिक गेम्स। अगला आईओए, आईओए, आईओए बताइए। ओ फॉर ओलंपिक, ओ फॉर ओलंपिक, ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन, ओ फॉर ओलंपिक, आई फॉर इंडियन, क्या हो जाएगा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आई ओ ए, ठीक है। अगला बढ़े, किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओ सी ए, ओ सी ए, अच्छा ओ का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे बताइए? ओलंपिक, ओ का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? ओलंपिक, ओ का मतलब ओलंपिक। सी का मतलब काउंसिल, काउंसिल किसका? एशिया का काउंसिल है ये, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओ सी ए। अगला है डब्ल्यू बी सी, अगला क्या रहेगा? डब्ल्यू बी सी, अगला क्या रहेगा? डब्ल्यू बी सी, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड, सॉरी ए नहीं है ये, डब्ल्यू बी ए नहीं है, डब्ल्यू बी सी है, एसोसिएशन नहीं होगा यहाँ पे, ए नहीं है, क्या है यहाँ पे? सी, डब्ल्यू बी सी, अच्छा ये वो अपने अंदर वाला डब्ल्यू बी सी नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड, बी फॉर बॉक्सिंग एंड सी फॉर काउंसिल। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना इसके फुल फॉर्म बताते चलिएगा, जैसे कि अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग क्या नीचे ना कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, हमको कोई डाउट आएगा ना तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, हम नोट डाउन कर लेंगे आपके कमेंट्स देख के, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शामिल कर लेंगे, डब्ल्यू बी सी, ठीक है। अगला है आई बी एफ, आई बी एफ, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, बी स्टैंड्स फॉर बॉक्सिंग इंटरनेशनल, ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बॉक्सिंग एंड एफ स्टैंड्स फॉर, एफ स्टैंड्स फॉर फेडरेशन, 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 ठीक है, फेडरेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। विस्पा, विस्पा, अच्छा देखो यहां पे ए है, इसका मतलब यहां पे एसोसिएशन आ रहा है, पी मतलब प्लेयर, एस मतलब स्क्वैश, तो यहां समझो एस का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? स्क्वैश। पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेयर। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, ठीक है। अब प्लेयर की बात कर रहा है तो डब्ल्यू आया हुआ है यहां पे, डब्ल्यू आया हुआ है, तो डब्ल्यू आया हुआ तो मतलब क्या हो जाना चाहिए यहां पे? वुमेन, वुमेन हो जाना चाहिए। और आई आया हुआ है तो इंटरनेशनल, या तो इंडिया या तो इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है। तो वुमेन इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर्स एसोसिएशन, क्या हो जाएगा ये? वुमेन्स इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर एसोसिएशन, नोट डाउन कर लीजिएगा ना, किसी का भी मतलब पूछ लेता है।
अगला फिका, 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 एफ आई सी ए, बताइए। देखिए अब यहाँ सी आया हुआ है, अच्छा एफ का मतलब तो हमको समझ में आ रहा था ना, फेडरेशन। बार बार जो एफ हमें आ रहा था फुल फॉर्म में वो क्या है, फेडरेशन। क्या है फेडरेशन? आई स्टैंड फॉर एंड सी स्टैंड फॉर एंड ए स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, सी स्टैंड फॉर क्रिकेटर्स एंड आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेटर्स एसोसिएशन, फिका। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा ना आप लोग। अगला हिसा, अगला क्या रहेगा आपका, एच आई एस ए, एच आई एस ए, एच स्टैंड फॉर हीरो एंड ए स्टैंड फॉर अकेडमी, ठीक। एस स्टैंड फॉर स्पोर्ट एंड आई स्टैंड फॉर, बता दो। अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा, मैं इसीलिए आपको टुकड़ों में बताता हूं, पहला स्टार्टिंग लास्ट, ताकि बीच का आप लोग जोड़ पाए। तो क्या हो जाएगा, हीरो इंडिया स्पोर्ट्स एकेडमी, हीरो इंडिया स्पोर्ट्स एकेडमी, कोई दिक्कत नहीं। एस एफ आई, एस एफ आई, एस स्टैंड्स फॉर स्विमिंग, एफ स्टैंड्स फॉर एंड आई स्टैंड्स फॉर, बताइए। एफ का मतलब भी पता है आपको और आई का मतलब भी पता है, यहां पे इंडिया है और फेडरेशन यहां हो जाएगा। स्विमिंग फेडरेशन इंडिया, ठीक, स्विमिंग फेडरेशन इंडिया, बीच में क्या आ जाएगा ऑफ, स्विमिंग फेडरेशन किसका, इंडिया का। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अगला, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बता देता हूं मैं आपको, ये सबको आता होगा, आईपीएल इंडियन, आप सबको तो आता ही है ये, प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। वाडा, अच्छा वाडा, ये वाडा का फुल फॉर्म जो है आता है, वाडा और नाडा दो इंपॉर्टेंट है, बताओ। एंटी डोपिंग एजेंसी और डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, क्लियर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड, एक बार फिर से लिख देता हूं, एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अगला नाडा, नाडा का क्या हो जाएगा, वाडा तो वर्ल्ड हो गया, ये अपना अंदर का है इंडिया वाला, एन ए डी ए, ये ए का मतलब हो जाएगा एंटी, डी फॉर डोपिंग, ए फॉर एजेंसी, और एन का क्या मतलब हो जाएगा, नेशनल, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। किसका किसका सही हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, ठीक है। अगला एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉप्स, नेशनल कैडेट कॉप्स, एन स्टैंड फॉर नेशनल, सी स्टैंड फॉर कैडेट, सी स्टैंड फॉर कॉप्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, आई ए ए ए, अच्छा मान लीजिए ये सवाल है, सीधा सीधा आपको कोई फुल फॉर्म लिखा लिखा मिल जाए,
एमपीपीएससी के पेपर में तो आंसर सही कर देंगे ना आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपका बस इतना फर्ज बनता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है कम से कम वो तो पढ़ के जाइए ना, है ना। अच्छा यार, तो नया साल है, नया साल है, चलिए इंटरनेशनल अमेचर, और ये क्या हो जाएगा एथलेटिक्स, और इसका क्या हो जाएगा एसोसिएशन, इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन। कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर इसको अपन क्लोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैं रिकॉर्ड कर। नाल्टा, नाल्टा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन, नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। अगला है SOCOG, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द ओलंपिक गेम्स, सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। अगला IOA, 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 इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, याद करिए उंगली पे, OCA, OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अगला WBC, WBC, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। अगला IBF, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल विस्पा, WISPA, WISPA, वुमेन्स इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर्स एसोसिएशन, वुमेन्स इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर्स एसोसिएशन। अगला है फिका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। अगला रहेगा आपका हीसा, हीरो इंडिया स्पोर्ट्स अकेडमी, हीरो इंडिया स्पोर्ट्स अकेडमी। अगला SFI, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। IPL, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो सबको आता होगा, ठीक है। अगला है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। NCC, नेशनल कैडेट कॉप्स, NCC, नेशनल कैडेट कॉप्स। अगला हो जाएगा IAAA, इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, नया साल है और सब कुछ अच्छा हो, इसी खुशी को, इसी बात को, इसी मुद्दे को लेके हम आगे चलते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी सारी चीज़ें हो, आप हमसे पूछिए, नए साल में क्या क्या नया करना चाहिए वो सब लिख के भेजिए, हम उस पर एक वीडियो बात करेंगे आपसे बैठ के। और क्या चाहते हैं आप, जैसे 12 जनवरी को अपना पेपर है MPPSC का आप लोगों का, तो और क्या चीज़ें छूट रही हैं वो बताइए आप, ताकि हम उसको कवर डाउन कर लें। हमारी सारी फैकल्टीज़ लगी हुई हैं, आप किसी भी फैकल्टीज़ का वीडियो मत छोड़िएगा, ठीक है, सभी फैकल्टीज़ का वीडियो देखिएगा, दिनेश सर, शुभम सर, राजुल मैडम, शैलेंद्र सर, अजय सर, राजाराम वर्मा सर, अजय बसेड़िया सर, सनमति जैन जी, सबका वीडियो देखिएगा, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो नए साल में एक रेजोल्यूशन लीजिए कि इस साल नौकरी पाके ही दम लेंगे, नए साल में रेजोल्यूशन लीजिए कि हम लोग इस साल नया नौकरी पा ही लेंगे, ठीक है, और हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो ले लीजिए, क्योंकि कल से मेरी क्लास अनअकैडमी प्लस पर शुरू हो रही है, अनएकेडमी प्लस पर मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, कोड रहेगा HKT लाइव, तो कल से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, गुरिल्ला पेपर, एलिमिनेशन टेक्निक और बहुत डीप स्टडी के लिए सवाल जो पेपर में आते हैं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, इसीलिए आप लोगों को मुझे वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए ऐसा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे वहाँ पे और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वहाँ पे शुभम सर पढ़ाते हैं आपको, सनमति जैन जी पढ़ाते हैं, राजुल मैडम पढ़ाती हैं, तिवारी सर पढ़ाते हैं, तो और भी बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप किसी का भी कोर्स वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल लाइव सेशन में बैठ के बातचीत भी करेंगे और प्रॉपर बात करेंगे, अपने सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा ताकि हम वहाँ से नोट डाउन कर लें,
चलिए चलिए एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।